हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सनफ्लावर डायरीज में। आज हम आपको दिखाते हैं पत्रिका गेट। ये देखिएगा, ये जयपुर में है और हम वहाँ पे गए थे तो हमने सोचा चलो यहाँ पे भी एक बार चलते हैं। यहाँ पे हम कभी भी नहीं गए, हम इतनी बार जयपुर में जा चुके हैं पर यहाँ पे नहीं गए थे, तो अब की बार हमने सोचा चलो देख के आते हैं। तो गए देखने के लिए। अच्छा है वैसे, गेट है ये, देखने में इसकी बनावट हो गई, वो अंदर की कारीगरी हो गई, सब कुछ अच्छा है। पर दिक्कत ये है कि वहाँ पे ना फोटोग्राफी ज़्यादा चल रही थी तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं घूम पाए वहाँ पे। ये अंदर का ग्राउंड है जो कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ज़्यादा तो भीड़ बस वहाँ पे थी, गेट पर ही थी, जो कि फ़ोटो वोटो खींचने में लगे हुए थे। और हम अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर का सीन। देखिएगा, ये भी कुछ बना हुआ था वहाँ पे, तो देख सकते हैं आप, देखने में तो अच्छा है पर वहाँ पे ज़्यादा टाइम हम रुक नहीं पाए क्योंकि भीड़ हो रही थी ना वहाँ गेट के ऊपर, तो फोटोग्राफी वगैरह भी हमने बहुत कम करी थी क्योंकि जगह ही नहीं थी वहाँ पे, सब जगह लगे हुए थे अपने फ़ोटो वोटो खींचने में। तो फिर हमने सोचा चलो घूम तो लिया है यहाँ पे आसपास में, जितना भी है उतना घूम लिया एक बार, फिर अपने घर के लिए निकल पड़े। अच्छा, अब आप बताइएगा कि ये गेट आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार जब आप जयपुर जाए तो एक बार वहाँ पर भी जाना। ये देखिएगा, मैंने इसके चारों तरफ जाके ना इसकी जो वीडियो है ना वो बनाई थी कि चारों साइड से, चलो दिखा देती हूँ कि कैसा सीन है। देखिएगा, अब हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि अंदर का जो इसके गेट के अंदर है वहाँ की आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम वहाँ पे गए थे फ़ोटो खींचने के लिए तो भी नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे आप कह सकते हैं कि फ़ोटोग्राफर वगैरह वहाँ पे इतने सारे थे क्योंकि जगह ही नहीं थी खड़ी होने की, कहीं रुक के वीडियो बना ले, फ़ोटो खींच ले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।